नमस्कार दोस्तों, लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म चालू है। 17 सितंबर से पोर्टल ओपन कर दिया गया है। आखिरी डेट 5 अक्टूबर तक रहेगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भरा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, लाडली बहना आवास योजना फॉर्म 2023, इसका आर्टिकल हम आपको पूरा पढ़ के बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार बेसहारा और बेघर महिलाओं के नाम पर मुफ्त पक्का मकान प्रदान करेगी, ताकि बिना किसी समस्या के महिलाएं सम्मानपूर्वक और अपने पक्के मकान में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हाल में ही कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को मंजूरी प्रदान की है और अब इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के तहत बहनों को मुक्त रहने के लिए फ्री आवास की सुविधा प्रदान हेतु 17 सितंबर 2023 आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। लाडली बहना आवास योजना के माध्यम से राज्य के उन लाखों बहनों को रहने के लिए पक्का मकान दिया जाएगा जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। इनकी क्या क्या योग्यताएं रहेंगी, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, ये देखिए दोस्तों। लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म की जानकारी लाडली बहना की साइट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा चलाया गया है। ये साइट है दोस्तों, ये साइट पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अंतिम डेट 5 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। लाडली बहना आवास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र महिलाओं की आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन फॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि आवेदन फॉर्म भरने में के बाद आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि राज्य में भी अभी भी लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उन परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना के तहत आवास योजना को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म 17 सितंबर से प्रक्रिया चालू कर दी गई है। आखिरी डेट 5 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। लाडली बहना के लाभ एवं उद्देश्य यानी विशेषताएं हैं, इनको आप देख लीजिएगा। लाडली बहना आवास योजना के माध्यम से राज्य सरकार के 97,000 परिवारों को खुद का घर दिया जाएगा। 97,000 फॉर्म भरने की पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। लाडली बहना आवास योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरा नंबर जिनके पास पक्का मकान नहीं हो, जो किसी योजना के से लाभ नहीं लिए हों, वो इसी योजना में पात्र होंगे। लाडली बहना का के तहत महिलाओं के नाम से आवास दिया जाएगा। लिस्ट में नाम होना चाहिए। आवेदन महिलाओं को खुद का प्लाट मकान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों जिन आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं उनको मिलेगा। जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन नहीं है वो इस योजना के पात्र होंगे। आवश्यक रिकॉर्ड आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म 2023 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, इसके बारे इसमें दिया हुआ है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को कैबिनेट बैठक की मंत्रिपरिषद ने मंजूरी देती है और आप इसकी आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर से प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अधिकारी वेबसाइट पर आवास योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। राज्य की जो भी बेसहारा महिलाएं पक्का मकान प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहती हैं, नीचे दिए गए लिंक पे अपना का आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये साइट है, इस साइट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से फॉर्म भरे जाने हैं। ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, इसका विवरण इसमें दिया हुआ है। वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म अपने राज्य सरकार के नज़दीकी ग्राम पंचायत में जाना होगा ऑफलाइन फॉर्म के लिए। वहां जाकर अपने योजना के तहत आवेदन फॉर्म भर के वहीं जमा करना है। तीसरा नंबर, आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेज को संलग्न करें। इसके बाद आवंटन फॉर्म को जहां से आपने फॉर्म प्राप्त किया वहीं जमा कर दें। इस प्रकार से लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल की घंटी जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपना फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं।